सो हे गाइज, मोस्ट वेलकम टू यू ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर मेरा एग्जाम आ रहा है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, कितने देर मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में मैं काफ़ी अच्छा कर ले जाऊँ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि सर मैथमेटिक्स मुझे एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं सर मुझे ये बताइए कि एक दिन में कितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँ जो कि हमारे लिए सही रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने बैठता हूँ फिर मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट आज उठाएंगे और एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि किस तरीके से हमें पढ़ना है या फिर क्या क्या पढ़ना है। तो देखो मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे अगर आज मैं बात करूं तो 27 है और आपका एग्ज़ाम लगभग 10 से 20 दिन बाद है, एंड मान करके चलिए आपके पास 20 दिन का टाइम है और स्कूल भी बहुत ज़्यादा अब नहीं चल रहा है, तो आपके पास टाइम है और आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो या फिर जा भी रहे हो छोड़ो, अगर मान लो आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि टेस्ट वेस्ट तो हो ही चुका है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से देखो कि यू हैव 24 आवर्स। जैसे आप लोग देखते हो ना कि घड़ी में रात को 12 बजे क्या बजता है, 00.01। इसका मतलब क्या होता है कि रात को आपका ये जो अकाउंट है ना वो फिर से ज़ीरो होता है, और फिर आपको कितना मौका मिलता है, आपको 24 आवर्स का मौका मिलता है, और इस 24 आवर्स में आपको पढ़ाई लिखाई जो इच्छा हो आप वो कर सकते हो। तो आप बस इतना मान करके चलिए कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे भाई मैं आपको 500 रुपये दूंगा, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर इन 500 रुपये को 1 घंटे के अंदर यूज़ कर लेना है। अगर आपने 1 घंटे के अंदर इस 500 रुपये को यूज़ नहीं किया तो पैसा आपके पास से गायब हो जाएगा। तो आप 36 उपाय करोगे, यार ये कर लूँ वो कर लूँ, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, आप जाओगे और 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट में आप उसका यूज़ कर लोगे पैसे का। सेम इसी तरीके से हम सब लोगों को 24 आवर्स मिलते हैं, पूरा टाइम अपने पास में है। इस 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो सपोज़ करो कि 24 आवर्स में अगर आप 8 घंटे सोने में निकाल देते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि भैया 8 घंटे सोना ही चाहिए, छोड़ो 8 घंटे, आप 10 घंटे सो लो, है ना। मान लेते हैं कि आप 10 घंटे सो लिए और आप 4 घंटे खाना पीने खाने में खेलने में निकाल दिए, 4 घंटा भी तो निकाल देना भाई, इंपॉर्टेंट है अभी ना, मोबाइल चलाना खेलना कूदना सब कुछ। तो मान लेते हैं 10 घंटे आप सोए, 4 घंटे इन सब में आपका पूरा दिन निकल गया। बहुत करोगे आप 2 घंटे की आप कोचिंग क्लासेस भी कर लोगे, चलो ठीक है 2 आवर्स आपने कोचिंग क्लासेस में निकाल दिया, तो ये कितना हो गया 10 + 4 = 14 + 2 कितना हो गया 16, स्टिल यू हैव 8 आवर्स। यानी कि खाने के बाद, खेलने के बाद, सोने के बाद, पढ़ने के बाद, यानी ट्यूशन जाने के बाद, आपके पास में 8 घंटे बच रहे हैं, और इस 8 घंटे को किस तरीके से यूज़ करना है आप वो समझिए। कुछ लोग होते हैं बिजी विदाउट वर्क। जैसे मान लो कि आपको अगर कोई दोस्त फ़ोन कर रहा है कि भाई सुनो यहाँ पर चलना है, तो आप बोलोगे अरे यार अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, या फिर कोई मम्मी बोलते हैं कि बाबू ये काम कर दो, तो आप कहते हो मम्मी अभी मैं फ़िलहाल ये काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। यानी आप एक बार जब रात को बैठना और यूटिलाइज़ करना कि आज दिन भर में आपने क्या क्या काम किया है, क्या आप सच में उस काम में बिजी हैं जिसमें आपको होना चाहिए। मैं आजकल के टाइम में देख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ही, बट बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, और वो मतलब अभी आपकी क्लास 8th 9th में है, वो बैठ करके रील्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे पर्सनली मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पर, कोई लोग अपना फोटो लगाते हैं तो मुझे टैग करते हैं, फिर मुझे भेजते हैं पर्सनली वेडिंग सेशन तो ये सेशन तो वो सेशन, मुझे लिटरली हंसी आती है। यार ये टाइम जो है आपका ना ये पढ़ने का है। हम लोग जब थे क्लास 8th 9th 10th में, हम लोग को मोबाइल वोबाइल नहीं मिलता था, है ना, कीपैड वाला फ़ोन मिल जाता था, वो भी ग्रेजुएशन में जाने के बाद मिला था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं ना कि आपको अगर चीज़ें मिल रही हैं तो सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके पास में मोबाइल वोबाइल आ रहा है अगर उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आपको मोबाइल मिला है, घर वालों ने मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, तो आप यूज़ कम करें, अगर कर भी ना तो कम यूज़ करें, इंस्टाग्राम का तो, व्हाट्सएप का तो, फेसबुक का कम यूज़ करिए आप, और ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चीज़ें मिली हैं, आप ऑनलाइन पढ़िए, जितनी चीज़ें हो सकते हैं उतनी करिए। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं ये 8 घंटे का, कि ये जो 8 घंटे आपको मिल रहा है इस 8 घंटे में सब निकालने के बाद है, और इस 8 घंटे में आप बताओ आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स, फिज़िक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत होगा इंग्लिश और एक सब्जेक्ट कंप्यूटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें मुझे लगता है कि आपका जो बायोलॉजी है वो तो पूरा आपका लर्निंग वाला पार्ट है, इंग्लिश भी आपका लर्निंग वाला पार्ट है, और कंप्यूटर अगर आप थोड़ा बहुत समझ जाते हो तो ये भी हो जाता है। हालांकि कंप्यूटर में भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं आता, प्रॉब्लम है। बात आती है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की। तो अभी आप क्लास 8th में हो, अगर आप बड़े लेवल के भी क्लास में हो तो समझिए आप ये चीज़ कि इन तीनों चीज़ पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर लेते हैं इस पर, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो आप ये करो। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि सर मुझे मैथ्स कितने देर पढ़ना चाहिए, तो एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। तो देखिए, आपके चैप्टर्स हैं क्लास 8th में 30 चैप्टर्स हैं आपके पास में, और इन 30 चैप्टर्स में आपको ये कर लेना है कि मुझे बचे हुए दिनों में एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना है। देखो क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रिवीजन कर लूँगा लास्ट में। रिवीजन वही लोग कर पाते हैं जो पढ़े होते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी 15 दिन बचा, 10 दिन बचा, मैं पूरा रिवाइज करके ख़त्म कर दूंगा, तो रिवीजन उसे नहीं कहते हैं। सपोज़ करिए 30 चैप्टर्स में आप 24 चैप्टर्स पढ़े हुए हो और आप कह रहे हो कि भाई जो 6 चैप्टर्स बचा है उसको रिवाइज कर लेंगे, तो ये रिवाइज आप नहीं करोगे। रिवाइज केवल वही करेगा जो पढ़ाई करता है स्टार्टिंग से, है ना। तो ये बिटर ट्रूथ है, आप इस बात को मान लो कि अगर 6 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हो नई चीज़ को, आपका एग्ज़ाम जैसे मान लो कि 3 दिन बाद है और आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें तो आप कवर कर लोगे लेकिन कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो सबको आप कवर करके नहीं चल सकते हो। अगर आपने 24 चैप्टर्स पढ़े हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम तक, तो आप बस इतना कर लो कि इस 24 चैप्टर्स को इस तरीके से मुझे करके आना है कि अगर मान लो 6 चैप्टर जो है उससे मान लेते हैं हम लोग कि अगर आपका 10% भी आता है, 10 नंबर का भी अगर मान लेते हैं आता है, तो बाकी के 70 मार्क्स आपको लाने ही हैं। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, इन 6 चैप्टर्स के चक्कर में पड़ जाओगे लास्ट में कि ये जो 6 चैप्टर से मुझे ख़त्म करने, फटाफट करने नहीं आ रहा फिर भी करना है, तब यकीन मानो ये आपसे छूट जाएगा। तो जो चीज़ें आपको आ रही हैं उस चीज़ पे आप एकदम मन से लग जाइए, और आपके पास 8 घंटे का जो टाइम है मेरे भाई वो इनफ है। इस 8 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हो, बस ज़रूरत है खुद को थोड़ा सा बोलते हैं ना मतलब कंट्रोल करने की, कि आप उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करते हो। आप एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे इतने देर में ये पढ़ाई करना है। ये टाइम टेबल तो कभी नहीं बन सकता कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:05 से ये पढ़ना शुरू करूंगा, तो 5:10 तक ये पढ़ूंगा, फिर 5:15 से लेकर 6:10 तक ये पढ़ूंगा। तो यकीन मानिए ये कोई नहीं कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है, और जो ये कर लिया मैं तो उसको भगवान मान लूँगा। तो ऐसा कोई नहीं कर पाता है। आप शेड्यूल बनाओ कि मुझे पढ़ना है। जैसे मान लो कि अगर आपको करना है कि 8 घंटे मुझे पढ़ाई करनी ही करनी, नहीं 8 घंटे करो, आप 6 घंटे भी पढ़ाई करो तो आपके लिए इनफ है। बट वो जो 6 घंटे होना चाहिए विथ कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कुछ लोग बुक खोल करके बैठे तो हैं, कह रहे हैं मम्मी पापा आ रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बुक खोल करके बैठे हैं, और बुक खोल के जब बैठे हैं दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा तो आज आयुष ने मुझसे ये बात कहा था स्कूल में, अच्छा तो यार आज उसने लंच में मेरा लंच बॉक्स ले लिया था। आप बुक खोल करके बैठो बट दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बुक खोल करके आप क्यों बैठो, ताकि हमारे पेरेंट्स आएँ और देखें और बोले कि अच्छा मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है ना। तो कुछ पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है कि आप आओ अपने बच्चे से पूछो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। आप टारगेट बनाओ डेली का, आप सोने से पहले ना एक टारगेट बनाओ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ना टारगेट बनाता हूं अपने लिए दिन भर में कि मुझे इतने बजे से इतने इतने टाइम में क्लासेस लेनी है, फिर यूट्यूब पर मुझे इतने इतने देर में वीडियोस बनानी है ना। और मतलब सब चीज़ आप टारगेटेड करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। टारगेट को आप सेट करिए तभी आप उसको हिट कर पाएंगे, है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको टारगेट बनाना। तो उसके लिए मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि आपके पास में जो टाइम बच रहा है आप उसे यूटिलाइज़ करो। अगर आप 6 घंटे ही पढ़ो तो 6 घंटे विथ कंसंट्रेशन आप पढ़ो। मेरा मानना यह है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम के टाइम केवल गेम, समझे। अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो क्रिकेट के टाइम आप केवल क्रिकेट से रिलेटेड ही बातें करो, है ना। पढ़ाई वढ़ाई नहीं आनी चाहिए। तो आप जो काम करो डेडिकेशन के साथ वो काम करो और देखो आप अच्छा करने लग जाओगे। जहाँ तक रही बात अभी स्ट्रेटजीज़ की, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस तरीके से आप लेकर के चलिए और टारगेट बनाइए। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि चैप्टर 30 प्रोबेबिलिटी आज मुझे ख़त्म करना है, तो भले इसमें 10 घंटे लग जाए चाहे ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, आपको कर लेना है, करना आपको है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि चैप्टर 27 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मैं क्लास 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ठान लिया कि 27 चैप्टर को मुझे आज ख़त्म करना है, तो किसी भी तरीके से करिए और कर लीजिए। जो लर्निंग वाला पार्ट है उसको आप पार्ट टाइम में फटाफट कर करके ख़त्म करते रहो, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, कि सर डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें।
दो टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में दो टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है। पहला होता है इंटरनल डिस्ट्रक्शन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन। इंटरनल क्या होता है, जैसे मान लो आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, आपको मोबाइल दिख गया तो आप मोबाइल लेकर के चलाने लगे, इसे बोलते हैं इंटरनल डिस्ट्रक्शन, इससे आप खुद को बचा सकते हो। एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप बैठ करके पढ़ रहे हो और आपका दोस्त है, बोला अरे यार आजकल ये बड़ा पढ़ रहा है, एक काम करते हैं चलो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, वो आएगा आपको कुछ बोलेगा और आप भड़क के उसके पीछे चले जाओगे, है ना। क्यों, अरे यार वो बंदा आया मुझे ऐसे बोल करके चला गया, कैसे चला गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं जाऊँगा उसके पीछे। यानी कुल मिला जुला करके उसका एम सिर्फ इतना था कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना। उसका काम क्या था कि मैं आऊँगा अपने दोस्त को बोलूँगा तो भड़क करके मेरे पीछे आएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, उसने वो सोचा और आप गधों की तरह वो काम करना स्टार्ट कर दिए। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हों तो आप कहो कि भाई ठीक है अभी एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी तुमको बोलूँगा भाई, है ना। रिवेंज तो नहीं रहना चाहिए लेकिन ये होना चाहिए आपके मन में। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, इससे आपको खुद को बचा करके रखना है, और जितना ज़्यादा आप खुद को बचा करके रखोगे उतना अच्छा अपने लाइफ में कर लोगे। तो मेरा कुल मिला जुला कर कहना आपसे सिर्फ इतना है कि आप स्ट्रेटजीज बनाइए, टाइम से पढ़िए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपको सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ करके नहीं पढ़ पाते हैं। अब सुबह उठना लेकर के कॉपी किताब ऐसे गिरने से अच्छा है कि आप एकदम आराम से भाई 7 बजे उठो, स्कूल नहीं है तो 7 बजे उठो, लेकिन पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहो और जब आप पढ़ना चाह रहे हो उस टाइम पे आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। हमारे माँ बाप को हमसे केवल एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कुछ करेगा, और यकीन मानिए अगर आप पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो वो आप उनके लिए नहीं खुद के लिए कर रहे होते हो। जैसे एक स्टूडेंट था, उसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि मेरा बेटा अगर नहीं पढ़ता मैं उसको बोलती हूँ कि पढ़ो, तो ये बोलता है कि अगर मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी मम्मी तो मैं नहीं पढ़ूँगा। तो मुझे हंसी आई, बोला अभी इनको ये नहीं पता है कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान इनका है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नुकसान आपका है। आपको लगता होगा ना मेरे सर मैम ऐसा बोलती हैं पढ़ो पढ़ो, पापा मम्मी बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, बार बार हमें फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, तो यकीन मानिए वो आपकी अच्छाई के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कल को कुछ करोगे तो खुद के लिए अच्छा कर लोगे। तो इसी बात के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आएंगी जो जो चीज़ें हैं, तो बस इसको आप यूटिलाइज़ करिए। टाइम को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मैनेज करके चलिए, और जैसा आप कर पाएंगे वैसा आप बहुत अच्छा कर लेंगे। मेरी तरफ से पूरा कोशिश है कि मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने ख़त्म कर दिया है और मैं बाकी की चीज़ें भी ख़त्म कर दूँ, तो आप लोग भी बस यही करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, खुद का भी और मेरा भी। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।